ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी मई का महीना क्या कुछ खास संभावना तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं किस क्षेत्र विशेष में आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी और कहां पर मई में आपको सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आकलन के आधार पर यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। उपाय के दौरान तुला राशि वाले जातकों के अंदर कुछ मौजूद कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में दूर करते हैं तो हर प्रकार की स्थितियों को संभालने का आपके अंदर गुण जागृत होगा। सबसे पहले ग्रह स्थितियों की जानकारी आपको देते हैं कि मई 2022 में किन किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपके लग्न में केतु देव गोचरी स्थितियों में पूरे महीने तक रहने वाले हैं और आपके राशि के सप्तम भाव में राहु सूर्य का ग्रहण दोष मई की शुरुआत में बना हुआ रहेगा। सूर्यदेव 15 मई 2022 तक आपके राशि से सप्तम भाव में रहने वाले हैं, उसके पश्चात सूर्यदेव आपके राशि के अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस महीने तुला राशि वाले जातकों के राशि के रोग भाव पर गुरु शुक्र की युति बनी हुई रहने वाली है, जिसमें गुरु बृहस्पति स्वराशिगत होकर गोचर में रहने वाले हैं और शुक्र उच्च के होकर आपके राशि के सिक्स हाउस पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। अष्टम भाव में बुध की युति रहने वाली है। राशि से पंचम भाव में शनिदेव स्वराशिगत होकर गोचर में मौजूद हैं और मंगल भी इनके साथ रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो ग्रह स्थितियों के आधार पर यदि आपको जानकारी दिया जाए तो यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, मई 2022 किस प्रकार की सौगात आपके जीवन में लेकर आया है। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको यदि जानकारी दिया जाए तो राशि से दशम भाव से व्यक्ति के कर्म क्षेत्र का विचार करते हैं, कर्म का व्यापार का विचार करते हैं, राशि के सिक्स हाउस से नौकरी का विचार करते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए लगन में केतु की मौजूदगी के कारण मानसिक तनाव की स्थितियां बनी हुई तो जरूर रहेगी, परंतु इस समय अंतराल में तुला राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तुला राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल के दौरान अपने जीवन में यदि हर प्रकार की स्थितियां आप अपने जीवन में पक्षकारी चाहते हैं तो नौकरी पेशा जातकों को भी और कारोबारी जातकों को भी समय प्रबंधन पर ध्यान रखकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। मई 2022 में यदि तुला राशि के जातक अपने व्यापार में नई एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं, नई आइडियाज को इन्वॉल्व करते हैं, तो आपके लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। इस महीने तुला राशि वाले जातकों को हर कार्य को समय पर पूरा करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, तभी आपके लिए समय यह महीना श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देगा। जल्दबाजी में कार्य करने से भी आपको बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। नौकरी पेशा जातकों को इस महीने प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। वहीं व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त होने से आपके अंदर उत्साह की प्राप्ति भी विशेष रूप से जरूर होगी। वर्क प्लेस पर आप अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए समर्थ रहेंगे और वर्क प्लेस पर आपके कार्यस्थल पर जुड़े हुए सहयोगियों के साथ आपके संबंध बेहतर बने हुए रह सकते हैं। इसके साथ साथ यदि धन के मामले में आपको इस महीने की जानकारी दिया जाए तो राशि के धन भाव के स्वामी मंगलदेव शनि के साथ राशि के पंचम भाव में गोचर में मौजूद हैं और राशि के लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव
ग्रहण योग का निर्माण करके राशि के सप्तम भाव में 15 मई तक रहने वाले हैं। तो देखिए धन के मामले में जो स्थिति आपके लिए रहने वाली है, यानी तुला राशि के लिए रहने वाली है, इसमें तुला राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से जो समय है श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, तो धन संचय करने की कोशिश आपकी काफी ज्यादा सफल रह सकती है और आमदनी में भी इजाफा होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यदि पूर्व के समय से तुला राशि वाले जातकों को लगातार असफलता धन के मामले में मिल रही थी, कर्ज भरी स्थितियां जीवन में बनी हुई थी और धन आगमन में परेशानी आपको देखने के लिए मिल रही थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। हालांकि तुला राशि के जातक यदि कहीं पर शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने के लिए जा रहे हैं, तो सोच विचार कर निवेश करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। इस समय अंतराल में तुला राशि वाले जातक यदि व्यापारिक जीवन में भी बड़ा निवेश करते हैं तो भी सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। खास तौर से पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो 15 मई 2022 तक आपको विशेष सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो इस महीने तुला राशि वाले जातकों की शिक्षा काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं और इस भाव पर शनि मंगल की युति बनी हुई रहने वाली है और यहां पर तुला राशि वाले जातकों के लिए लग्न में केतु की उपस्थिति रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपके अंदर अस्थिरता का भाव देखने के लिए मिलेगा। आपके अंदर काफी ज्यादा चंचल आपके अंदर स्वभाव देखने के लिए मिल सकता है और शिक्षा के मामले में जो आपका ध्यान है काफी ज्यादा भटक सकता है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को शिक्षा पर फोकस रखने के लिए इस समय अंतराल के दौरान विशेष रूप से एकांत का वातावरण जरूर अपनाना चाहिए और नित्य प्रति यदि आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी एकाग्रता को काफी ज्यादा बढ़ाने के लिए समर्थ रहेंगे। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के लिए इस समय अंतराल के दौरान यदि पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो राशि के द्वितीय भाव से व्यक्ति के परिवार का विचार करते हैं और इस भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में नहीं रहने वाले हैं, तो यहां पर पारिवारिक जीवन में जो तुला राशि वाले जातक हैं सदस्यों के बीच में सुख शांति का माहौल तो जरूर देखने के लिए मिलेगा, परंतु यहां पर कुछ पुराने विवाद के कारण आपके संबंधों में सदस्यों के साथ तकलीफ बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। कुटुंबीजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता इस समय ही ने तुला राशि वाले जातकों के लिए रहने वाली है। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल देव शनि के साथ गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं, तो यदि बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों की आप राय मानेंगे तो आपके लिए यह समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा और तुला राशि के जातक यदि समय अंतराल के दौरान अपनी वाणी में काफी ज्यादा नियंत्रण रखेंगे, ताना मारना या वाणी के द्वारा व्यंग रूप से अब यदि आप किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते हैं तो किसी प्रकार की मुश्किलें आपको पारिवारिक जीवन में दिखाई नहीं देगी। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए यदि समय अंतराल के दौरान प्रेम और वैवाहिक जीवन की जानकारी दिया जाए तो राशि के पंचम भाव से प्रेम का विचार करते हैं। प्रेम जीवन के मामले में मई 2022 में तुला राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलेगी, इसलिए सोच विचार कर आपको जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। लव मेट के साथ अपने संबंध को बेहतर रखने का प्रयास आप जरूर करें। वही 15 मई 2022 तक वैवाहिक जीवन के मामले में भी सूर्य राहु का बन रहा ग्रहण योग आपके बीच में दूरियां और व्यर्थ का वैचारिक मतभेद निर्मित कर सकता है। पति पत्नी यदि पूर्व के समय से आप अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए भागेंगे तो भी आपके बीच में समस्या उत्पन्न हो सकती है और राशि के सप्तम भाव पर सूर्य राहु का ग्रहण योग बना हुआ है, तो जीवन साथी के साथ आपको इस समय अंतराल के दौरान कीमती पल बिताने के लिए समर्थ रहना चाहिए और किसी प्रकार से मनमुटाव यदि निर्मित हो रहा है तो आपको समन्वय पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, राशि के सिक्स भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार करते हैं और इस भाव के स्वामी स्वयं इसी भाव में ही गोचर में रहने वाले हैं, तो देखिए सेहत के मामले में तुला राशि वाले जातकों को किसी प्रकार की यदि समस्या पूर्व के समय में बनी हुई थी
उसके निदान होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यदि तुला राशि वाले जातकों को पूर्व के समय में पेट से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर रही थी, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर रही थी, उसके दूर होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ लगन पर केतु का प्रभाव बना हुआ रहने के कारण तुला राशि के बहुत सारे जातक अपने आप को निराशा से घिरा हुआ प्रतीत कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको मानसिक रूप से सुकून चाहिए तो आपको इस समय अंतराल के दौरान विशेष रूप से ध्यान का सहारा लेना चाहिए और तुला राशि वाले जातकों को खान पान की आदत पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको दूरी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर मानसिक तनाव निर्मित करती है। यदि कोई भी जातक शराब का सेवन करता है और मांसाहार जैसी चीजों को खाता है तो उसके अंदर नेगेटिविटी का आना स्वाभाविक है और शरीर के अंदर कई प्रकार के रोगों का उभरना भी स्वाभाविक है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को सात्विक दिनचर्या और खान पान की आदत पर विशेष रूप से सात्विकता बरतने की प्रबल आवश्यकता इस महीने रहने वाली है। तो अब तुला राशि वाले जातकों के लिए इस महीने को बेहतर करने के लिए कुछ विशेष उपाय की अगर आपको जानकारी दिया जाए तो इस महीने तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले कुछ विशेष कमियों के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों को हर व्यक्ति के सामने अपने संबंध को बेहतर करने के लिए नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तुला राशि वाले जातकों के अंदर छल कपट तो होता नहीं है पर उसके बावजूद भी ये जातक खुली बोली होने के कारण गुप्त शत्रु अपने जीवन में बना लेते हैं। सामने वाले के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को बयां कर देते हैं। इसलिए इस महीने आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन पर ध्यान देकर चलना जरूर चाहिए, क्योंकि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए अपने कार्य के लिए जितना समय आपने आवंटित किया हुआ है उस कार्य को उस समय पर आप जरूर करें तो यह महीना आपके लिए श्रेष्ठ गुजरेगा। धार्मिक दिशा में यदि तुला राशि वाले जातकों के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर है। गायत्री मंत्र से आपके अंदर ऊर्जा उत्साह की काफी ज्यादा आपको प्राप्ति होगी और आपके अंदर एकाग्रता की काफी ज्यादा वृद्धि होगी। उसके साथ साथ तुला राशि के जातक यदि भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिवलिंग पर नित्य प्रति यदि आप बिल्व पत्र अर्पित करते हैं तो हर प्रकार की मुश्किलों से आपको निजात देखने के लिए मिलेगा। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को विशेष रूप से सलाह को मानने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ गरीब और असहाय व्यक्ति की यथाउचित मदद आप समय पर जरूर करते रहें। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशि फल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।